बाजार संतुलन। यह अध्याय अध्याय दो और चार की नींव पर आधारित है, जिनमें हमने उपभोक्ता तथा फर्म के व्यवहार की कीमत स्वीकार के रूप में अध्ययन किया है। अध्याय दो में हमने देखा कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र हमें वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को इच्छुक है, जबकि कीमत दी हुई है। बाजार मांग हमें बताती है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक हैं, जबकि प्रत्येक के लिए कीमत दी हुई है। अध्याय चार में हमने देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म एक पूर्ति वक्र हमें एक वस्तु की उस मात्रा को बताता है जिसे कि एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, जबकि कीमत दी हुई है तथा बाजार पूर्ति वक्र हमें विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे सभी फर्म सम्मिलित रूप से पूर्ति करने की इच्छुक होंगी, जबकि प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई है। इस अध्याय में हम उपभोक्ताओं तथा फर्म दोनों के व्यवहार को सम्मिलित करके मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा बाजार संतुलन तथा किसी कीमत पर संतुलन होगा का अध्ययन करेंगे। हम संतुलन पर मांग तथा पूर्ति को शिफ्टों के प्रभावों का भी परीक्षण करेंगे। अध्याय के अंत में हम मांग पूर्ति विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोग को भी देखेंगे। संतुलन अधिमांग अधिपूर्ति एक पूर्ण प्रति स्पर्धा बाजार में स्वहित के उद्देश्यों से कार्य करने वाले क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। अध्याय दो तथा चार आपने देखा होगा कि उपभोक्ताओं का उद्देश्य अपने अपने अधिमान को अधिकतम करना तथा फार्मों का उद्देश्य अपने अपने लाभों को अधिकतम करना है। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फार्म दोनों के उद्देश्य संगत होते हैं। संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फार्मों की योजना सुमेलित हो जाती है और बाजार रिक्त हो जाता है। संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने की सभी फार्म इच्छुक हैं वह उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो जाता है और न ही फार्म और न ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं तथा इस कीमत पर खरीदी गई तथा बेची गई वस्तु मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। अतः पी स्टार क्यू स्टार एक संतुलन है। यदि पी के पावर डी पी स्टार बराबर क्यू पावर एस पी स्टार, जहां पी स्टार संतुलन कीमत को एक तथा पी के पावर क्यू के पावर डी पी के पावर स्टार और एस क्यू के पावर एस पी स्टार पी कीमत पर क्रमशः वस्तुओं के बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति को दर्शाते हैं। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उसे कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है तथा यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन को वैकल्पिक रूप में शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब कभी बाजार पूर्ति बाजार मांग के समान नहीं हो और इसी लिए बाजार में संतुलन नहीं हो तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी। अगले दो खंडों में हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस परिवर्तन की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। संतुलन में बाह्य व्यवहार एडम स्मिथ के समय 1723 से 1790 से यह मान्यता रही कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। हमारी अंतर्दृष्टि भी यही कहती है कि अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि तथा अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करेगी। संपूर्ण विश्लेषण में हमारी यह मान्यता रहेगी कि इस अदृश्य हाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त हम यह भी मानेंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा अदृश्य हाथ असंतुलन स्थापित करता है। यह मान्यता इस पुस्तक में सभी चर्चाओं में रहेगी। बाजार संतुलन फार्मों की स्थिर संख्या, आपको याद होगा कि अध्याय दो में हमने कीमत स्वीकार उपभोक्ताओं के लिए बाजार मांग वक्र तथा अध्याय चार में कीमत स्वीकारक फार्मों की स्थिर संख्या की मान्यता पर बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति की है। इस खंड में फार्मों की स्थिर संख्या के आधार पर इन दो वक्रों की सहायता
से यह देखेंगे कि पूर्ति तथा मांग शक्तियां किस प्रकार बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए एक साथ कार्य करती हैं। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मांग तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट के कारण संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होता है। रेखाचित्र 5.1 स्थिर संख्या फार्मों वाले एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन दर्शाता है। यहाँ किसी वस्तु के लिए SS बाजार पूर्ति वक्र को तथा DD बाजार मांग वक्र को दर्शाता है। बाजार पूर्ति वक्र SS वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी पूर्ति विभिन्न कीमतों पर फार्म करने की इच्छुक होती है, और मांग वक्र DD उस वस्तु को दर्शाता है जिसकी मांग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता करने के इच्छुक है। रेखाचित्र 5.1 कीमत मात्रा SS DD P2P स्टार P1 O Q1 डैश Q2 डैश Q स्टार Q2 Q1 फार्मों की स्थिर संख्या की स्थिति में बाजार संतुलन बाजार मांग वक्र DD तथा बाजार पूर्ति वक्र SS पर छेदन बिंदु संतुलन दर्शाता है। संतुलन मात्रा Q स्टार है तथा संतुलन कीमत P स्टार है। P स्टार की तुलना में अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति होगी तथा P स्टार की तुलना में कम कीमत पर अधिक मांग होगी। ग्राफीय रूप से संतुलन एक बिंदु है जहां बाजार पूर्ति वक्र बाजार मांग वक्र को परिच्छेदित करता है, क्योंकि यह वह बिंदु है जिस पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर है। किसी भी अन्य बिंदु पर या तो अधिपूर्ति है या अधिमांग है यह देखने के लिए कि किसी दी हुई कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर न होने पर क्या होता है। आइए रेखाचित्र 5.1 पर दृष्टि डालें जहां किसी भी कीमत पर समानता नहीं होती है। रेखाचित्र 5.1 में यदि प्रचलित कीमत P1 है तो बाजार मांग Q1 है, जबकि बाजार पूर्ति Q1 है तथा बाजार में Q1 डैश Q1 के बराबर अधिमांग है। कुछ उपभोक्ताओं जो वस्तुओं को प्राप्त करने में या तो पूर्ण रूप से असमर्थ हैं अथवा इसे अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं, वे P1 से अधिक कीमत चुकाने के तात्पर्य होंगे। बाजार कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी, अन्य बात समान रहने पर जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है मांग की मात्रा में गिरावट आती है, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तथा बाजार एक ऐसे बिंदु की ओर अग्रसर होता है जहां फार्म द्वारा विक्रय करने के लिए इच्छित मात्रा उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली इच्छित मात्रा के बराबर होती है। पी स्टार पर एक फार्म के पूर्ति निर्णय उपभोक्ताओं की मांग निर्णय से मेल खाते हैं। इसी प्रकार यदि प्रचलित कीमत P2 है तो उस कीमत पर बाजार पूर्ति Q2 बाजार मांग Q2 डैश से अधिक है, जो Q2 डैश Q2 के बराबर अधिपूर्ति को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में कुछ फार्म अपनी इच्छित मात्रा के अनुरूप विक्रय करने में असमर्थ होंगी, अतः वे अपनी कीमत घटाएंगी। अन्य बात समान रहने पर जैसे जैसे कीमत घटती है वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति की मात्रा घटती है तथा पी स्टार कीमत पर फार्म अपनी इच्छित उत्पादन बेच पाती है क्योंकि इस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर है। इसीलिए पी स्टार संतुलन कीमत है और इससे संबंधित मात्रा क्यू स्टार संतुलन मात्रा है। संतुलन कीमत तथा मात्रा के निर्धारण को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 5.1। अब आइए एक ऐसे बाजार का उदाहरण लेते हैं जिसमें समान गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन करने वाले समरूपी एक खेत हो। मान लीजिए गेहूं के लिए बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र निम्न प्रकार है। Q^D बराबर 200 - P, क्योंकि 0 > P < 200 बराबर 0 क्योंकि P > 200 तथा Q^S बराबर 120 + P क्योंकि P > 10 बराबर 0 क्योंकि P < P < 10 जहां Q^D तथा Q^S गेहूं के लिए किलोग्राम में क्रमशः मांग तथा पूर्ति को दर्शाते हैं तथा P गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में दर्शाता है क्योंकि संतुलन कीमत पर बाजार रिक्त हो जाता है। हम बाजार मांग और बाजार पूर्ति को बराबर करके संतुलन कीमत पी स्टार द्वारा प्रदर्शित ज्ञात करते हैं, जहां पी स्टार के लिए हल करते हैं Q^D P * बराबर Q^S P * 200 - P बराबर 120 + P। आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित करने पर 2P * बराबर 80 आता था, P * बराबर 40। एक यहाँ समरूपी से हमारा अर्थ है कि सभी खेतों की लागत संरचना समान है, अतः गेहूं की संतुलन कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। संतुलन कीमत की को मांग तथा अथवा पूर्ति के वक्र के समीकरण में प्रतिस्थापित करके संतुलन मात्रा Q स्टार द्वारा दर्शाई गई है। प्राप्त
की जाती है। चूंकि संतुलन की अवस्था में मांग तथा पूर्ति दोनों की मात्रा बराबर होती है, क्यू पावर डी बराबर क्यू स्टार बराबर 200 - 40 = 160, वैकल्पिक रूप से क्यू एस बराबर क्यू स्टार बराबर 120 + 40 = 160 तथा संतुलन की मात्रा 160 किलोग्राम है, पी स्टार की तुलना में कम कीमत पर मान लो पी 1 = 25, क्यू की पावर डी बराबर 200 - 25 = 175, क्यू की पावर एस बराबर 120 + 25 = 145 तथा पी 1 = 25 पर क्यू पावर डी ग्रेटर क्यू की पावर एस, जिसमें अभिप्राय है कि इस कीमत पर अधिमांग है, बीजगणितीय रूप से अधिमांग ईडी इस प्रकार लिखा दर्शाया जा सकता है, ईडी पी बराबर क्यू की पावर डी माइनस क्यू की पावर एस 200 - P - 120 + P अर्थात 80 - 2P। ध्यान दीजिए उपर्युक्त अभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि P स्टार बराबर 40 से कम किसी भी कीमत के लिए अधिमांग सकारात्मक होगी। इसी प्रकार P स्टार से अधिक कीमत पर मान लो P 2 बराबर 45 तो Q पावर D बराबर 200 - 45 = 155, Q पावर S बराबर 120 + 45 = 165 अतः इस कीमत पर Q S गणितन Q D अर्थात अधिपूर्ति है। बीजगणितीय रूप से अधिपूर्ति ES इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ES बराबर ESP बराबर Q की पावर S माइनस Q की पावर D 120 + P - 200 - P अर्थात 2P - 80। ध्यान दीजिए उपर्युक्त अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट है कि P स्टार बराबर 40 से अधिक किसी भी कीमत के लिए अधिपूर्ति सकारात्मक होगी, अतः P स्टार से अधिक किसी भी कीमत पर अधिपूर्ति तथा P स्टार से कम किसी भी कीमत पर अधिमांग होगी। श्रम बाजार में मजदूरी, यहां हम मांग पूर्ति विश्लेषण के द्वारा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत की संक्षिप्त में विवेचना करेंगे। एक श्रम बाजार तथा वस्तुओं के बाजार में मूलभूत अंतर पूर्ति तथा मांग के स्रोत के संदर्भ में है। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले घर परिवार हैं तथा श्रम की मांग फार्मों से आती है, जबकि वस्तुओं के बाजार में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। मजदूर दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, जहाँ श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन में हो। अब हम देखेंगे कि मजदूर की मांग तथा पूर्ति वक्र कैसे दिखाई देते हैं। एक अकेली फार्म द्वारा श्रम की मांग की जांच के लिए हम यह मान लेते हैं कि श्रम उत्पादन का अकेली परिवर्ती कारक है और श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, तथा इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक फार्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है। जिस फार्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वह भी स्वभाव से पूर्ण प्रतिस्पर्धा है तथा लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन करती है। हम यह भी मान कर चलते हैं कि फार्म की उपलब्धता प्रौद्योगिकी पर आसमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होता है। लाभ अधिकतम करता होने के कारण फार्म सदा उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जिस पर श्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बराबर है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग में लाने के अतिरिक्त लागत मजदूरी दर W है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा अतिरिक्त निर्गत उत्पादन उसका सीमांत उत्पादन L तथा प्रत्येक अतिरिक्त इकाई निर्गत के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय फार्म की उस इकाई से प्राप्त सीमांत संप्राप्ति है। अतः श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पादन के गुणनफल के बराबर है। इसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन यल कहते हैं। अतः फार्म उस बिंदु तक श्रम को उपयोग में लाती है जहां W बराबर श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद तथा श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत संप्राप्ति गुणे श्रम का सीमांत उत्पादन। क्योंकि हम एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फार्म का अध्ययन कर रहे हैं, सीमांत संप्राप्ति वस्तु ए की कीमत के बराबर है तथा इसी स्थिति में श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर है। जब तक श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी से अधिक है, फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पादक का मूल्य मजदूरी दर की तुलना में कम है तो फर्म श्रम की एक इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। आसमान सीमांत उत्पाद नियम की मान्यता पर फार्म मजदूरी दी गई बराबर श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य पर ही सदा उत्पादन करती है। इसका यह अभिप्राय है कि श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, आइए मान लेते हैं कि किसी मजदूरी पर
दर W1 पर श्रम के लिए मांग L1 है। अब मान लीजिए कि मजदूरी दर बढ़कर W2 हो जाती है। मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पादक के मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए श्रम के सीमांत उत्पादक के मूल्य में भी वृद्धि होनी चाहिए, परंतु वस्तु की कीमत मजदूरी एक ऐसी बिंदु पर निर्धारित होती है जहां श्रम मांग तथा श्रम पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। श्रम घंटों में W*O मजदूरी SLDL के रूप में दिखाई गई है। ये अध्याय चार में पूर्ण प्रति स्पर्धी फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति कीमत के बराबर होती है। स्थिर बी रहते हुए यह तभी संभव है जब श्रमिक के सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो, जिसके अभिप्राय है कि श्रम की ह्रासमान सीमांत उत्पादन के कारण कम श्रम का उपयोग किया जाए। अतः ऊंची मजदूरी दर पर काम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली हो जाती है। व्यक्तिगत फार्म की मांग वक्रों से बाजार मांग वक्र ज्ञात करने के लिए हम साधारणतः विभिन्न मजदूरी की दरों पर व्यक्तिगत फार्म द्वारा श्रम की मांग को जोड़ देते हैं। यद्यपि प्रत्येक फार्म मजदूरी बढ़ने पर कम श्रम की मांग करती है, बाजार मांग वक्र भी नीचे की ओर प्रवणता वाली होती है। मांग पक्ष के अन्वेषण के पश्चात अब हम पूर्ति पक्ष पर आते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी दी हुई मजदूरी पर दर पर कितनी श्रम पूर्ति की जानी चाहिए, इसका निर्धारण घर परिवार करते हैं। उनके पूर्ति का निर्णय अनिवार्य रूप से आय तथा अवकाश के बीच एक चयन है। एक और व्यक्ति अवकाश में रहना चाहता है क्योंकि वे कार्य को बोझिल मानते हैं, तथा दूसरी ओर वे आय को महत्व देते हैं जिसके लिए उन कार्य करना पड़ता है। अतः अवकाश का आनंद उठाने तथा अधिक घंटों तक कार्य करने के मध्य एक अदला बदली होती है। अतः व्यक्ति विशेष के श्रम पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति के लिए हम मान लेते हैं कि किसी मजदूर दर W1 पर एक व्यक्ति L1 श्रम इकाइयों की पूर्ति करता है। अब मान लीजिए कि मजदूरी दर बढ़कर W2 हो जाती है। मजदूरी दर में इस वृद्धि के दो प्रभाव होंगे। पहला, मजदूरी दर में वृद्धि के कारण अवकाश की अवसर लागत में वृद्धि होगी, जो अवकाश को अधिक महंगा बना देगी। अतः व्यक्ति विशेष अवकाश में रहना कम पसंद करेगा, इसके परिणाम स्वरूप वे अधिक घंटे कार्य करेंगे। दूसरी, मजदूरी दर में W2 तक वृद्धि के कारण व्यक्ति की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, तो वह अवकाश जनित क्रियाओं पर अधिक खर्च करना चाहेगा। इन दोनों प्रभावों में से जो अधिक प्रबल होगा, मजदूरी दर में वृद्धि का अंतिम प्रभाव उसी पर निर्भर करेगा। कम मजदूरी दर पर प्रथम प्रभाव द्वितीय प्रभाव से प्रबल रहता है, तथा इसीलिए व्यक्ति की इच्छा मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि के साथ अधिक श्रम की पूर्ति करने की होगी। परंतु ऊंची मजदूरी दर पर द्वितीय प्रभाव प्रथम प्रभाव से प्रबल रहता है, तथा व्यक्ति विशेष मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि पर कम श्रम की पूर्ति करेगा। इस प्रकार हमें पीछे की ओर झुकने वाले विशिष्ट श्रम पूर्ति वक्र प्राप्त होती है, जो यह दर्शाती है कि एक निश्चित मजदूरी दर तक मजदूरी में प्रत्येक वृद्धि के साथ श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती है। इस मजदूरी दर के बाद मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि से श्रम की पूर्ति घट जाएगी, तथापि श्रम का बाजार पूर्ति वक्र, जिसे हम विभिन्न मजदूरी दर पर व्यक्तियों की पूर्ति को जोड़कर प्राप्त करते हैं, ऊपर की ओर प्रवणता लिए होगी, क्योंकि ऊंची मजदूरी पर भी कुछ व्यक्ति कम कार्य करने के इच्छुक होंगे। अधिक व्यक्ति श्रम की अधिक पूर्ति करने के लिए आकर्षित होंगे। एक ऊपर की ओर प्रवणता वाली पूर्ति वक्र तथा नीचे की ओर प्रवणता वाली मांग वक्र द्वारा संतुलन मजदूरी दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां परिवारों द्वारा श्रम की पूर्ति फार्मों द्वारा श्रम की मांग के बराबर होती है, यह निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है। बी, चूंकि फार्म पूर्ण प्रतिस्पर्धी है, अतः ऐसा माना जाता है कि यह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट, ऊपर के खंडों में हमने बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता के साथ किया कि उपभोक्ताओं की रुचियों तथा अधिमानों संबंधी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ताओं की आय प्रौद्योगिकी बाजार
प्रौद्योगिकी बाजार का आकार, उत्पादन में प्रयोग होने वाली आगतों की कीमत आदि स्थिर रहती है, तथापि इनमें से एक अथवा अधिक कारकों में परिवर्तनों के साथ या तो पूर्ति वक्र अथवा मांग वक्र अथवा दोनों ही संतुलन कीमत तथा मात्रा को प्रभावित करते हुए शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ हम पहले एक सामान्य सिद्धांत का विकास करेंगे जो संतुलन पर इन शिफ्टों को का प्रभाव बताएगा और तत्पश्चात संतुलन पर उपरयुक्त कुछ कारकों में परिवर्तनों के प्रभाव की विवेचना करेगा। मांग शिफ्ट रेखाचित्र 5.2 पर विचार कीजिए, जिसमें फार्मों की संख्या स्थिर होने पर मांग शिफ्ट का प्रभाव दर्शाया गया है। यहाँ आरंभ संतुलन बिंदु ई है, जहाँ बाजार मांग वक्र डी नॉट तथा बाजार पूर्ति वक्र एस नॉट एक दूसरे को इस प्रकार परिच्छेदित करती हैं कि क्यू नॉट तथा पी नॉट क्रमशः संतुलन मात्रा तथा कीमत को दर्शाते हैं। मान लीजिए कि बाजार मांग वक्र पूर्ति वक्र के एस नॉट पर स्थिर रहने पर दाई और डी टू पर शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि पैनल ए में दर्शाया गया है। यह शिफ्ट बताता है कि किसी भी कीमत मात्रा पी नॉट पी टू जी ई एस एस नॉट डी डी टू डी डी नॉट ओ क्यू नॉट क्यू टू क्यू नॉट डबल डैश ए वाले में दिखाई गई हैं पी नॉट पी वन एफ ई एस एस नॉट डी डी नॉट डी डी वन और क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट वन ओ बी वाले में कीमत और मात्रा के बीच रेखाचित्र 5.2 दिखाई गई है। मांग में शिफ्ट आरंभ में बाजार संतुलन ई पर है, मांग के दाईं ओर शिफ्ट के कारण नया संतुलन जी पर है, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है, तथा बाईं ओर शिफ्ट के कारण नया संतुलन एफ पर है, जैसा कि पैनल बी में दर्शाया गया है। दाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलन मात्रा तथा कीमत में वृद्धि होती है, जब कि बाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलन मात्रा तथा कीमत में गिरावट आती है। कीमत पर मांगी गई मात्रा पहले से अधिक है, इसीलिए पी नॉट कीमत पर अब बाजार में क्यू नॉट डबल डैश के बराबर अधिमांग है। इस अधिमांग के कारण कुछ व्यक्ति ऊंची कीमत पर भुगतान करने को तैयार होंगे और कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। नया संतुलन जी बिंदु पर होगा, जहां संतुलन मात्रा क्यू टू कामा क्यू नॉट से अधिक है और संतुलन कीमत पी टू कामा पी नॉट से अधिक है। इसी प्रकार जैसे पैनल बी में दर्शाया गया है, यदि मांग वक्र डी डी वन पर बाई ओर शिफ्ट हो जाता है तो किसी भी कीमत पर मांग की मात्रा शिफ्ट से पहले की तुलना में कम होगी। अतः अभी आरंभिक संतुलन कीमत पी नॉट पर अब बाजार में क्यू नॉट डैश क्यू नॉट के बराबर अधिपूर्ति है, जिसके कारण कुछ फर्म अपनी वस्तुओं की कीमत कम कर देगी ताकि वे वस्तु की इच्छित मात्रा का विक्रय कर सकें। नया संतुलन बिंदु एफ पर है, जिस पर मांग वक्र डी डी वन तथा पूर्ति वक्र एस एस नॉट परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा परिणाम स्वरूप संतुलन कीमत पी नॉट पी वन की तुलना में कम है तथा मात्रा क्यू वन क्यू नॉट से कम है। ध्यान दीजिए कि जब मांग वक्र शिफ्ट होती है तो संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा समान है। एक समान सिद्धांत के विकास के पश्चात अब हम यह समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार पूर्व चर्चित कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र तथा संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत प्रभावित होते हैं, जिनका वर्णन अध्याय 2 में भी किया गया है। विशेष रूप से हम उपभोक्ता की आय में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के संतुलन पर प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए उपभोक्ताओं के वेतन में वृद्धि के कारण उनकी आय में वृद्धि हो जाती है, यह संतुलन को भी किस प्रकार प्रभावित करेगी। आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता को कुछ वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है, किंतु द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि उपभोक्ता आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं पर कम व्यय करेंगे, जबकि एक सामान्य वस्तु के लिए जहाँ सभी वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ताओं की रुचि तथा अधिमान स्थिर है, प्रत्येक कीमत वृद्धि पर हम वस्तु की मांग में वृद्धि की अपेक्षा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ हम कपड़े जैसे एक सामान्य वस्तुओं का उदाहरण लेते हैं, जिसकी मांग उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा इसके कारण मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, तथापि इस आय वृद्धि का पूर्ति वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, जो केवल फार्मों की प्रौद्योगिकी से संबंधित कारकों में अथवा उत्पादन लागत में कुछ परिवर्तनों के कारण शिफ्ट होता है। अतः पूर्ति वक्र पुनः अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र 5.2a में मांग वक्र में डी डी नॉट से डी डी टू तक भी शिफ्ट
द्वारा दर्शाया गया है, किंतु पूर्ति वक्र एस एच नॉट पर पुनः अपरिवर्तित रहता है। रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि नए संतुलन पर कपड़ों की कीमत अधिक है तथा मांगी गई व बेची गई मात्रा भी अधिक है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कारणवश बाजार में वस्त्रों के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अन्य बात अपरिवर्तित रहने पर जैसे जैसे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है, वस्त्रों की मांग में प्रत्येक कीमत पर वृद्धि होगी। अतः मांग वक्र दाई ओर शिफ्ट हो जाएगा, परंतु उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि पूर्ति वक्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि पूर्ति वक्र केवल फार्मों की व्यवहार संबंधी प्रचलों में परिवर्तन अथवा फार्मों की संख्या में वृद्धि के कारण ही शिफ्ट हो सकता है, जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है। इसे रेखाचित्र 5.2a द्वारा पुनः दर्शाया जा सकता है, जिससे मांग वक्र DD0, DD2 पर दाईं ओर शिफ्ट होता है, जबकि पूर्ति वक्र SS0 पर अपरिवर्तित है। यह रेखाचित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नए संतुलन बिंदु G पर पुराने संतुलन बिंदु E की तुलना में कीमत तथा मात्रा मांग एवं पूर्ति में वृद्धि होती है। पूर्ति शिफ्ट रेखाचित्र 5.2 में हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट का प्रभाव संतुलन कीमत तथा मात्रा पर देखते हैं। मान लीजिए आरंभ में बिंदु ई पर बाजार संतुलन में है, जहां बाजार मांग वक्र DD0 बाजार पूर्ति वक्र SS0 को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि संतुलन कीमत P0 तथा संतुलन मात्रा Q0 है। मान लीजिए कि अब किसी कारणवश पूर्ति वक्र SS0 पर बाई ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, जैसे कि पैनल ए में दर्शाया गया है। इस शिफ्ट के कारण प्रचलित कीमत P0 पर बाजार में Q0 के बराबर अधि मांग होगी। कुछ उपभोक्ता जो वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अधिक कीमत भुगतान करने के इच्छुक होंगे तथा बाजार कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। बिंदु जी पर नया संतुलन प्राप्त होगा, जहाँ पूर्ति वक्र S2 मांग वक्र कीमत मात्रा P0 P2 E G S S2 S S0 D D0 O Q0 Q2 Q0 P1 P0 E F S S0 S S1 D D0 O Q0 Q1 Q0 - बी वाले में दिखाई गई है। पूर्ति में शिफ्ट आरंभ में बाजार संतुलन ई पर है, पूर्ति वक्र के बाईं ओर शिफ्ट के कारण नया संतुलन बिंदु जी है, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है, और दाईं ओर शिफ्ट के कारण नया संतुलन बिंदु एफ पर है, जैसा कि पैनल बी में दर्शाया गया है। दाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत घटती है, जबकि बाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलन मात्रा घटती है तथा कीमत में वृद्धि होती है। D D0 को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि P2 कीमत पर Q2 मात्रा खरीदी तथा बेची जाएगी। इस प्रकार पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है, जहां वस्तु का अधिपूर्ति Q0 Q0 डैश के बराबर होगी, जैसा कि पैनल बी में दर्शाया गया है कि अधिपूर्ति के कारण कुछ फर्म अपनी वस्तु की कीमत गिरा देती देंगी तथा यप पर नया संतुलन होगा, जहां पूर्ति वक्र S1 मांग वक्र DD0 को इस प्रकार परिच्छेदित करती है कि P0 नई बाजार कीमत है, जिस पर Q1 मात्रा खरीदी व बेची जाती है। ध्यान दीजिए कि जब भी पूर्ति वक्र शिफ्ट होती है, कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशाएं विपरीत होती हैं। अब इस समझ के साथ हम संतुलन कीमत तथा मात्रा के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। जब बाजार के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन होता है, यहाँ हम संतुलन पर आगत कीमतों में वृद्धि तथा फार्मों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव पर विचार करेंगे। आइए एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं, जहाँ अन्य सभी चीजें स्थिर रहती हैं और वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किसी आगत की कीमत में वृद्धि होती है। इस आगत के प्रयोग करने वाली फार्मों के उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि होगी, इसीलिए प्रत्येक कीमत पर बाजार पूर्ति पहले से कम होगी। अतः पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। रेखाचित्र 5.3a में इस पूर्ति वक्र के SS0 से SS2 तक शिफ्ट द्वारा दर्शाया गया है, परंतु आगत कीमत में इस वृद्धि का उपभोक्ताओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह आगतों की कीमत पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती। अतः मांग वक्र अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र 5.3a में इसे
डी डी नॉट पर मांग वक्र को अपरिवर्तित रख कर दर्शाया गया है। परिणाम स्वरूप पूर्व संतुलन की तुलना में अब बाजार कीमत की वृद्धि होती है तथा उत्पादित मात्रा कम हो जाती है। इसके पश्चात हम फार्मों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव की विवेचना करते हैं, चूंकि प्रत्येक कीमत पर अब अधिक फर्में वस्तु की पूर्ति करेंगी। पूर्ति वक्र दाई ओर शिफ्ट हो जाएगी, परंतु मांग वक्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इस उदाहरण को रेखाचित्र 5.3b द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां पूर्ति वक्र S0 से S1 पर शिफ्ट हो जाती है, जबकि मांग वक्र DD0 पर अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र से हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी होगी तथा प्रारंभिक वस्तु की तुलना में उत्पादित मात्रा में वृद्धि होगी। मांग तथा पूर्ति का एक साथ शिफ्ट, जब मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट होती हैं, तब क्या होता है? एक साथ शिफ्ट चार संभावित प्रकार से हो सकता है। पहला, मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों की का दाईं ओर शिफ्ट। दूसरा, मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर शिफ्ट। तीसरा, पूर्ति वक्र तथा वक्र का बाईं ओर तथा मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट। चौथा, पूर्ति वक्र का दाईं ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट। संतुलन कीमत तथा मात्रा का प्रभाव सभी चार स्थितियों में तालिका 5.1 में दर्शाया गया है। तालिका की प्रत्येक पंक्ति उस दिशा को बताती है जिसमें प्रत्येक संभव मांग तथा पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट संयोग के लिए संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन होगा। दृष्टांत के लिए तालिका की द्वितीय पंक्ति से हम यह कह सकते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों में दाई और शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, परंतु संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है अथवा गिरावट हो सकती है अथवा वह अपरिवर्तित भी रह सकती है। वास्तविक दिशा जिसमें कीमत परिवर्तित होगी वह शिफ्ट के परिणाम पर निर्भर करेगी। शिफ्ट के परिणाम में परिवर्तन करके इस स्थिति के लिए आप स्वयं जाँच करें। पहले दो स्थितियों में जो तत्कालिक तालिका कि पहली दो पंक्तियों में दर्शाया गया है, संतुलन मात्रा पर प्रभाव स्पष्ट है, परंतु संतुलन कीमत में परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है जो शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करेगा। अगले दो स्थितियों में जो तालिका की अंतिम दो पंक्तियों में दर्शाए गए हैं, कीमत पर प्रभाव स्पष्ट है जबकि मात्रा पर प्रभाव दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करता है। यहाँ हम स्थिति 2 तथा स्थिति 3 के लिए आरेखीय चित्रण दे सकते हैं। रेखाचित्र 5.4 में तथा अन्य को पाठकों के अभ्यास के लिए छोड़ देते हैं। तालिका 5.117 शिफ्ट का संतुलन पर प्रभाव, मांग में शिफ्ट, पूर्ति में शिफ्ट, मात्रा, कीमत बाईं ओर की कमी, वृद्धि कमी अथवा अपरिवर्तित हो सकती है। दाईं ओर वृद्धि कमी अथवा अपरिवर्तित हो सकती है। बाईं ओर वृद्धि कमी अथवा अपरिवर्तित हो सकती है। कमी दाईं ओर बाईं ओर वृद्धि कमी अथवा अपरिवर्तित हो सकती है। वृद्धि कीमत मात्रा रेखाचित्र 5.4 ओ ए वाले चित्र में ई एफ एस एस नॉट एस एस वन डी डी वन डी डी नॉट कीमत मात्रा बी वाले में ओ ई एफ एस एस नॉट एस एस टू डी डी नॉट डी डी वन बी वाले में दिखाई गई हैं। मांग तथा पूर्ति में एक साथ शिफ्ट आरंभ में संतुलन ई पर है, जहां मांग वक्र डी डी नॉट तथा पूर्ति वक्र एस एस नॉट एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। पैनल ए में मांग व पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होती हैं, कीमत अपरिवर्तित रहती है किंतु यह उच्च संतुलन मात्रा पर होती है। पैनल बी में पूर्ति वक्र दाईं ओर तथा मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है किंतु यह निम्न कीमत संतुलन पर होती है। रेखाचित्र 5.4a में हम देखते हैं कि मांग तथा पूर्ति दोनों वक्र के दाईं ओर शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि संतुलन कमी अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र 5.4b में मांग वक्र के बाईं ओर तथा पूर्ति वक्र के दाहिनी ओर स्थानांतरण के कारण संतुलन मात्रा समान रहती है, जबकि कीमत घट जाती है। बाजार संतुलन निर्बाध
प्रवेश तथा बहिर्गमन छले। खंड में बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया गया कि फार्मों की संख्या स्थिर है। इस खंड में हम बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे। जब फार्म निर्बाध रूप से बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है, सरलता के लिए यहाँ हम मान लेते हैं कि बाजार में सभी फार्म समरूप हैं। प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है? इस मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फार्म न अधि सामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है। दूसरे शब्दों में संतुलन कीमत फार्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यह देखने के लिए कि एक ऐसा क्यों है, मान लीजिए प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फार्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है, अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावनाएं नई फार्मों को आकर्षित करेगी। जैसे ही कई फार्म बाजार में प्रवेश करती हैं, पूर्ति वक्र दाहिने ओर को शिफ्ट हो जाती हैं, लेकिन मांग अपरिवर्तित रहती है। इसके फलस्वरूप बाजार कीमत गिर जाती है। जैसे ही कीमतें गिरती हैं, अधिसामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं। इस बिंदु पर जहाँ सभी फार्म बाजार में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं, किसी और फार्म के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि प्रचलित कीमत पर फार्म सामान्य रूप सामान्य से कम लाभ अर्जित कर रही हैं, तो कुछ फार्म बहिर्गमन कर जाएंगी, जिसके कीमत में वृद्धि होगी और प्रत्येक फार्म के लाभ बढ़कर सामान्य लाभ के स्तर पर आ जाएंगे। इस बिंदु पर और अधिक फार्म बहिर्गमन करने की इच्छुक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सभी फार्म सामान्य लाभ अर्जित कर रही होगी। अतः प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा प्रत्येक फार्म प्रचलित बाजार कीमत पर सदैव सामान्य लाभ अर्जित करेंगी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब तक कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक है, फार्में अधिसामान्य लाभ अर्जित करेंगी तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर सामान्य से कम लाभ प्राप्त करेंगी। अतः न्यूनतम लागत से अधिक कीमतों पर नई फर्में प्रवेश करेंगी तथा न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर विद्यमान फर्में बहिर्गमन करेगी। फार्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत स्तर होने पर प्रत्येक फार्म साधारण लाभ अर्जित करेगी तथा नई फर्में बाजार में प्रवेश के लिए आकर्षित नहीं होंगी। विद्यमान फर्म बाजार में बहिर्गमन भी नहीं करेंगी, क्योंकि वे इस बिंदु पर उत्पादन करने में कोई हानि नहीं उठा रही हैं। अतः बाजार में यही कीमत प्रचलित रहेगी। प्रवेश निकास अतः फार्मों के लिए निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी, अर्थात पी बराबर न्यूनतम औसत लागत सभी प्रकार का पर सभी के लिए खुला चित्र में दिखाई गई है। उपरोक्त का यह अभिप्राय है कि संतुलन कीमत फार्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। संतुलन में इसकी मात्रा पर बाजार मांग द्वारा पूर्ति की मात्रा निर्धारित होगी, तभी ये दोनों बराबर होती हैं। ग्राफीय रूप से इसे रेखाचित्र 5.5 में दर्शाया गया है, जहां बाजार संतुलन ही बिंदु पर होगा और मांग वक्र P0 बराबर न्यूनतम औसत लागत रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि बाजार कीमत P0 तथा कुल मांगी गई मात्रा और पूर्ति Q0 के बराबर हो जाती है। P0 न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फार्म समान मात्रा Q0F की पूर्ति करती है। तो बाजार में फार्मों की संतुलन संख्या फार्मों की उस संख्या के बराबर है जो P0 निर्गत पर Q0 पूर्ति के लिए आवश्यक है। प्रत्येक फार्म इस कीमत पर Q0F मात्रा की पूर्ति करेगी। यदि हम N0 द्वारा फार्मों की संतुलन संख्या को दर्शाते हैं, तो N0 बराबर Q0F संतुलन कीमत तथा मात्रा के निर्धारण को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम निम्न उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 5.1 बाजार का उदाहरण लेते हैं, जहां गेहूं के लिए मांग वक्र निम्न प्रकार दिया गया है। रेखाचित्र 5.5 कीमत पी बराबर न्यूनतम औसत लागत EDD Q0O मात्रा। रेखाचित्र प्रवेश तथा बहिर्गमन सहित कीमत निर्धारण निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के साथ पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है तथा संतुलन मात्रा बाजार मांग वक्र DD तथा कीमत रेखा पी बराबर न्यूनतम वक्र औसत लागत के प्रतिच्छेदन पर निर्धारित होती है। Q^D बराबर 200 माइनस P, क्योंकि P less than R = P less than R = 200
बराबर जीरो, क्योंकि पी ग्रेटर देन 200। मान लीजिए कि बाजार के समरूपी फार्म है किसी अकेली फार्म की पूर्ति वक्र इस प्रकार दिया गया है क्यू एफ पावर एस इक्वल टू एन प्लस पी, क्योंकि पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 बराबर जीरो, क्योंकि पी लेस देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन आर इक्वल टू पी लेस देन 20। फार्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि फार्मों न्यूनतम औसत लागत से कम पर उत्पादन नहीं करेगी, अन्यथा उन्हें उत्पादन से हानि होगी तथा वे बाजार में बहिर्गमन कर जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन के साथ बाजार संतुलन उस कीमत पर होगा जो फार्म की न्यूनतम औसत लागत के बराबर है, अतः संतुलन कीमत है पी बराबर 20। इस कीमत पर बाजार उस मात्रा की पूर्ति करेगा जो बाजार मांग के बराबर है, अतः मांग वक्र से हमें संतुलन मात्रा प्राप्त होती है क्यू नॉट बराबर 200 माइनस 20 बराबर 180 पी नॉट बराबर 20 पर प्रत्येक फार्म पूर्ति करती है क्यू नॉट एफ बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30, अतः फार्मों की संतुलन संख्या एन नॉट बराबर क्यू नॉट एफ बराबर 180 बटे 30 बराबर 6, अतः निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के साथ संतुलन कीमत मात्रा तथा फार्मों की संख्या क्रमशः 20 रुपये 180 किलोग्राम तथा 6 है मांग में शिफ्ट। आइए देखते हैं कि जब फार्म बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत तथा मात्रा पर मांग में शिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्व खंड में हम ज्ञात हुआ कि फार्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि सभी परिस्थितियों में संतुलन कीमत विद्यमान फार्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। इस स्थिति में यदि बाजार मांग वक्र किसी भी दिशा में शिफ्ट होता है तो नए संतुलन पर बाजार उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। रेखाचित्र 5.6 में डी नॉट बाजार मांग वक्र है जो बताता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा कितनी मात्रा मांगी जाएगी तथा पी नॉट उस कीमत को बताता है जो फार्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर पर है। आरंभिक संतुलन ई नॉट ई बिंदु पर है जहां मांग वक्र डी नॉट पी नॉट पर न्यूनतम औसत लागत रेखा को काटता है जहां मांग तथा पूर्ति की कुल मात्रा क्यू नॉट है। इस स्थिति में फार्मों की संतुलन संख्या एन नॉट है। अब मान लीजिए कि मांग वक्र किसी कारण वश दाई ओर शिफ्ट होती है, बिंदु पी नॉट पर वस्तु की अधिक मांग होगी। कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता वस्तु की अधिक कीमत देने के इच्छुक होंगे, अतः कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। इसके अधिक सामान्य लाभ अर्जित करने की संभावनाएं होगी जिससे नई फर्में बाजार में आकर्षित होगी। इन नई फर्मों का प्रवेश अधिक सामान्य लाभ समाप्त कर देगा तथा कीमत पुनः पी नॉट पर पहुंच जाएगी। अब उच्च मात्रा की पूर्ति उसी कीमत पर होगी। पैनल ए में ए से हमें यह विदित होता है कि नया मांग वक्र D1 कमा पी बराबर न्यूनतम औसत लागत रेखा को बिंदु एफ पर प्रच्छेदित करती है। इस प्रकार नया संतुलन पी नॉट क्यू वन होगा जहां क्यू नॉट क्यू वन की तुलना में अधिक है। नई फार्मों के प्रवेश के कारण फार्मों की नई संतुलन संख्या एन वन एन नॉट से अधिक है। इसी प्रकार मांग वक्र में D2 की पर बाईं ओर शिफ्ट होने पर पी नॉट कीमत पर अधिपूर्ति होगी। इस अधिपूर्ति के कारण कुछ फर्में जो पी नॉट कीमत पर अपनी वस्तु की इच्छित मात्रा नहीं बेच पाएंगी। कीमत मात्रा रेखाचित्र 5.6 ए पी नॉट बराबर न्यूनतम औसत लागत ई एफ D1 D0 क्यू नॉट Q1 के बीच में पी नॉट बराबर न्यूनतम औसत लागत जी ई के बीच में क्यू नॉट क्यू वन D0 D2B वाले में दिखाई गई हैं। मांग में शिफ्ट आरंभ में मांग वक्र D0 संतुलन मात्रा तथा कीमत क्रमशः क्यू नॉट तथा पी नॉट थे। मांग वक्र में D1 पर दाईं ओर शिफ्ट के कारण जैसा कि पट्टिका ए में दर्शाया गया है संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा मांग वक्र में D2 पर बाईं ओर शिफ्ट के कारण जैसा कि पट्टिका बी में दर्शाया गया है संतुलन मात्रा घट जाती है। दोनों ही स्थिति में संतुलन कीमत पी नॉट पर अपरिवर्तित रहती है, अपनी कीमत कम करना चाहेगी, कीमत के घटने की प्रवृत्ति होगी। परिणाम स्वरूप कुछ विद्यमान फर्मों बहिर्गमन करेगी, कीमत पुनः पी नॉट पर आ जाएगी, अतः नए संतुलन में कम मात्रा की पूर्ति होगी जो उस कीमत पर घटी हुई मांग के बराबर होगी। इसे पैनल बी में दर्शाया गया है जहां मांग वक्र के D0 से D2 पर शिफ्ट होने के कारण मांग तथा पूर्ति की मात्रा घटकर क्यू नॉट हो जाती है जबकि पी नॉट पर कीमत अपरिवर्तित रहती है। यहां कुछ वर्तमान फर्मों के बहिर्गमन के कारण फर्मों की संतुलन संख्या N2 N0 से कम है, अतः मांग में दाई बाई और शिफ्ट के कारण संतुलन मात्रा तथा फार्मों की संख्या में वृद्धि कमी होगी जबकि संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फार्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के साथ मार्ग मांग में शिफ्ट का प्रभाव फार्मों की स्थिर संख्या की तुलना में मात्रा पर अधिक होता है, किंतु फार्मों की स्थिर संख्या के विपरीत यहाँ हम संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पाते हैं। अनुप्रयोग इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार पूर्ति मांग विश्लेषण का अनुप्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट रूप से कीमत नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप के हम दो उदाहरण लेते हैं। जब एक वस्तु तथा सेवाओं की कीमत वांछित स्तर या से या तो अत्यधिक ऊंची अथवा अत्यधिक कम हो जाए तो प्रायः सरकार द्वारा उनका नियमन करना आवश्यक हो जाता है। हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के ढांचे में इन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इन नियंत्रणों का वस्तु के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत सरकार चित्र में दिखाई गई है। कीमत नियंत्रक के लिए दिखाई गई है उच्चतम निर्धारित कीमत। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सरकार कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। साधारणतः आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है तथा यह बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग समर्थ नहीं होगा। आइए गेहूं के बाजार के उदाहरण द्वारा बाजार संतुलन पर उच्चतम निर्धारित कीमत के प्रभाव को देखें। रेखाचित्र 5.7 गेहूं के लिए बाजार पूर्ति वक्र SS तथा बाजार मांग वक्र DD को दर्शाता है। गेहूं की संतुलन कीमत एवं मात्रा क्रमशः P* तथा Q* है। गेहूं बाजार में जब सरकार PC पर उच्चतम कीमत निर्धारित करती है तो संतुलन कीमत स्तर से कम है तो इस कीमत पर बाजार में गेहूं की अधिक मांग होगा। उपभोक्ता QC किलोग्राम गेहूं की मांग करते हैं जबकि फार्म द्वारा पूर्ति Q-C किलोग्राम है। रेखाचित्र 5.7 कीमत P* PC Q* QC Q-* Q-C OSSDD मात्रा और कीमत के बीच में रेखाचित्र 5.7 का दिखाया गया है। गेहूं बाजार में उच्चतम निर्धारित कीमत का प्रभाव संतुलन कीमत तथा मात्रा क्रमशः P* और Q* है। PC पर उच्चतम निर्धारित कीमत गेहूं होने से गेहूं बाजार में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि सरकार की मंशा उपभोक्ताओं की मदद करना था लेकिन इसके द्वारा गेहूं की कमी हो जाएगी। तब गेहूं की मात्रा Q-C की उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरित किया जाता है? ऐसा करने का एक तरीका यह है कि उपलब्ध गेहूं की मात्रा को राशन व्यवस्था के द्वारा सभी में वितरित किया जाए। उपभोक्ताओं को राशन कूपन जारी किए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष एक निश्चित मात्रा से अधिक गेहूं न खरीद सके और गेहूं की यह अनुबद्ध मात्रा राशन की दुकानों द्वारा बेची जाती है जिन्हें उचित कीमत की दुकान भी कहते हैं। साधारणतः राशन के साथ वस्तुओं की उच्चतम कीमत के उपभोक्ताओं पर निम्न प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता को राशन की दुकानों से वस्तुओं को खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि सभी उपभोक्ता उचित कीमत दुकानों से प्राप्त वस्तुओं की मात्रा से संतुष्ट नहीं होंगे, उनमें से कुछ अधिक कीमत देने के लिए तत्पर होंगे, इससे काला बाजार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निम्नतम निर्धारित कीमत कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट वांछनीय नहीं होती है, अतः सरकार इन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निम्नतम कीमत निर्धारित करती है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। न्यूनतम निर्धारित कीमत के सुपरिचित उदाहरण कुछ कृषि समर्थक कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान है। कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर देती है और यह साधारणतः इन वस्तुओं की बाजार निर्धारित कीमत से ऊंची स्तर
पर तय की जाती है। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी विधान द्वारा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की मजदूरी दर एक विशेष स्तर से नीचे न गिरे। यह भी न्यूनतम मजदूरी दर को संतुलन मजदूरी दर से अधिक रखा जाता है। रेखा चित्र 5.81 ऐसी वस्तुओं के बाजार पूर्ति तक बाजार मांग वक्र को दर्शाता है जिसकी कीमत न्यूनतम निर्धारित की गई है, जहाँ बाजार संतुलन पी स्टार तथा मात्रा क्यू स्टार है। परंतु जब सरकार न्यूनतम कीमत सीमा संतुलित कीमत से अधिक पी एफ पर निर्धारित करती है, बाजार मांग क्यू एफ है, जबकि फर्में क्यू एफ डैश मात्रा की पूर्ति करना चाहती है, जिसके कारण क्यू डैश एफ के बराबर बाजार में अधिपूर्ति होती है। कृषि समर्थक के अंतर्गत अधिपूर्ति के कारण कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार को पूर्व निर्धारित कीमत पर अधिशेष को खरीदना पड़ता है। रेखा चित्र 5.8 कीमत और एस एस डैश डी डी डैश पी एफ पी स्टार ओ क्यू एफ क्यू स्टार क्यू एफ वन मात्रा के बीच में दिखाई गई है। निम्नतम निर्धारित कीमत का वस्तुओं के बाजार पर प्रभाव बाजार संतुलन क्यू स्टार पी स्टार पर है। न्यूनतम कीमत सीमा पी एफ पर निर्धारण से अधिपूर्ति उत्पन्न हो रही है। सारांश: एक, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहां होता है जहां बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन कीमत तथा मात्र बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति वक्र के परस्पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होती है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन मजदूरी दर के बराबर होता है। पूर्ति वक्र के अपरिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाई बाई ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों की स्थिर संख्या होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि गिरावट होती है तथा संतुलन कीमत में वृद्धि गिरावट होती है। मांग वक्र के अपरिवर्तित रहने पर जब पूर्ति वक्र दाई बाई ओर शिफ्ट होता है तो फर्म की स्थिर संख्या होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि गिरावट होती है तथा संतुलन कीमत में गिरावट वृद्धि होती है। जब मांग तथा पूर्ति दोनों वक्र समान दिशा में शिफ्ट होते हैं तो संतुलन मात्रा पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संतुलन कीमत पर इसका प्रभाव शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करता है। जब मांग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशाओं में शिफ्ट होते हैं तो संतुलन कीमत पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संतुलन मात्रा पर प्रभाव शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करता है। एक, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में समरूपी के साथ यदि फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती हैं तो संतुलन कीमत सदैव फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के ही बराबर होती है। निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन होने पर मांग में शिफ्ट का संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु संतुलन मात्रा तथा फर्मों की संख्या में परिवर्तन मांग की दिशा में परिवर्तन के समान होता है। फर्मों की स्थिर संख्या वाले बाजार की संतुलन में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन वाले बाजार में मांग वक्र के शिफ्ट का संतुलन मात्रा पर प्रभाव अधिक प्रबल होगा। संतुलन कीमत से कम कीमत की उच्चतम निर्धारित कीमत निर्धारण से अधिक मांग उत्पन्न होती है। संतुलन कीमत से अधिक कीमत की न्यूनतम निर्धारित कीमत निर्धारण से अधिपूर्ति उत्पन्न होती है। संतुलन अधिमांग अधिपूर्ति श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद श्रम के सीमांत उत्पादन का मूल्य उच्चतम निर्धारित कीमत न्यूनतम निर्धारित कीमत।